हेलो फ्रेंड्स, मैं चक कृपाणी पांडे अपने यूट्यूब चैनल हमारी पुष्पवाटिका लखनऊ पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि गुलाब को किस तरह से इस बरसात के मौसम में रिपोर्टिंग करें और कौन कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें जिससे हमारा गुलाब अच्छे तरीके से ग्रोथ करे, उसमें तमाम तरह के बेसल सूट आएँ और हमारे गुलाब में खूब सारी कलियाँ और फूल बने। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि आप इस तरह से एक मार्केट से गुलाब का पौधा खरीद के लेके आइए। सबसे बेसिक चीज़ तो यही है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक पॉट का सिलेक्शन करना है। ये 12 इंच का मेरा पॉट है क्योंकि इसमें तमाम पॉकेट बने हुए हैं, इसलिए मैं ऐसे ही पॉट का सिलेक्शन करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस पॉट में खड़ा ना हो। और दूसरा, मीडिया कैसी होनी चाहिए। देखिए, इतना पानी गिरा है लेकिन पानी इसमें रुका नहीं है। इस मीडिया में मैंने क्या क्या मिला के रखा हुआ है, पहले से ही मिला के रखा हुआ है, वो चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। इसमें 40% गार्डन सॉइल है, 40% घर की मिट्टी है, 20% इसमें रेत है, लाल वाली, जो लाल वाली रेत होती है जिसको बोलते हैं वो है बदरपुर की, 20% इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट मिला रखा है और 20% में इसमें नीम खली और राइस हस्क और इसके अलावा इसमें बोन मील, रॉक फास्फेट वगैरह पहले से मिला करके मैंने रख दिया है ताकि ये खूब डिकम्पोज हो जाए। बोरे में भर के मैं रख देता हूँ। अब आज उसी मीडिया के सहारे मैं इस गुलाब के पौधे को लगाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, थोड़ी बातें और जाननी पड़ेंगी गुलाब का पौधा लगाने से पहले। मैं आपको बताऊंगा, जैसा आप देख रहे हैं मेरे सामने इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये भी इसमें डाली जाएंगी। तो हम इस मीडिया में जो कुछ मिला के रखे हैं वो तो मिला है, इसके बाद हम इसको मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे वही विशेष चीज़ है आपको ध्यान देने की। एक बार फिर से मिला बता दूँ, इस मीडिया में क्या क्या मिला है। 40% इसमें गार्डन सॉइल है, 20% इसमें बजरी है जिसको आप रेत बोलते हो, 20% इसमें वर्मी कंपोस्ट है और रेस्ट 20% में मैंने इसमें नीम खली, बोन मील और भी चीज़ें, राइस हस्क वगैरह मिला रखी हुई हैं। ये फुली डिकम्पोज है, देखिएगा इस तरह से आप बना करके पहले रख लीजिए। अब आप देखिए, मैं इसमें इसे डाल रहा हूँ, कितना डालूँगा ये ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैंने इतना डाला हुआ है, दिखा दीजिए ये। अब इसके बाद किन किन चीज़ों का काम है, यह है रैली गोल्ड, यह है रैली गोल्ड GR। इसका काम यह है, इसको मैं चाहता तो पहले से मिला देता लेकिन ऐसा नहीं है। इसका काम यह है कि ये गुलाब के रूट को खूब डेवलप करेगा। ये इतना इस तरीके से होता है, इतना मैंने आधा चम्मच के करीब डाला है। ये गुलाब के रूट को खूब डेवलप करेगा और जो कोई भी फर्टिलाइज़र हम देंगे वो जड़ों के माध्यम से गुलाब तक पहुँचाएगा। तो पहला मैंने ये डाल दिया। दूसरा, मुझे लगभग 1 चम्मच के करीब राग फास्फेट डालना है, ये 1 चम्मच के करीब राग फास्फेट मैंने डाला। इसे ही मिला के मैंने पहले ही डिकम्पोज कर दिया था लेकिन इसके बाद इसको डालने से बहुत बेनिफिट मिलेगा। यह है हॉर्मील, हॉर्मील भी बहुत ज़रूरी है गुलाब के लिए, एडेनियम के लिए। ये इतना 50 ग्राम के करीब डाल दूंगा। इसके बाद हमारे पास यह है बोन मील, बोन मील भी डालूंगा, रॉक फास्फेट भी डाला है, बोन मील भी डालूंगा, ये इतना करके। ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, इससे गुलाब का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ये गुलाब को फ़ायदा ही फ़ायदा करेंगे। और यह है नीम खली, ताकि गुलाब के रूट में कोई फंगस ना लगे, इसको भी हम 1 चम्मच के करीब ले करके इसमें मिला देंगे। अब दोस्तों, इतना मैंने डाल दिया। अब डालने के बाद करना क्या है, थोड़ा सा ये ले लेना है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे छिड़क देना है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। अब हम लेंगे गुलाब का पौधा, इस गुलाब के पौधे को निकालेंगे ऐसे करते हुए, चूँकि ये रेड मिट्टी में नहीं लगा हुआ है, ये अपने यहाँ की मिट्टी में लगा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी मिट्टी हटाएंगे इसकी हम, जहाँ तक जड़ हम देखेंगे, फाइबर जड़ें जो हैं ये, और फिर इसको हम ऐसे ही रख देंगे। ये मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। अब इसके ऊपर से ये मिट्टी हम भरेंगे, पानी हम अभी नहीं देंगे क्योंकि इसमें पानी, बरसात लगातार हो रही है, पानी से बिल्कुल रूट इसकी भरी हुई है। ये देखिए, ये इसको लगाने के बाद
एक इंच तक हम ये जगह खाली रखेंगे कायदे से, ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी फंगिसाइड या पेस्टिसाइड या कोई हम PGR का छिड़काव करें तो हमारे पौधे में कोई समस्या ना आए। अभी इसको हम 10 दिन तक कोई फर्टिलाइजर नहीं देंगे, हमने जितना फर्टिलाइजर दिया उतना पर्याप्त है। अब इसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये बरसात का मौसम है, इसका ध्यान रखेंगे। और समय समय पर इसको हम, अगर कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं या लगते भी हैं तो हम इमिडाक्लोरोप्रिट 17.8 SL का 1 ml लेकर के इसके ऊपर छिड़काव करेंगे, अथवा एक्सोटस का छिड़काव करेंगे, जिसके ऊपर मैं कल वीडियो लेके आऊँगा तो आपको डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों, आज बरसात के मौसम में हम अपने गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग कैसे करें, इसके ऊपर मेरा एक छोटा सा वीडियो था, मैंने बनाया, बनाने की कोशिश की, आपको दिखाया। यदि आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इस तरह से अपने गुलाब के पौधे को लगाइए और आपका गुलाब का पौधा दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। इसमें कोई भी फर्टिलाइजर री गोल्ड को छोड़ करके कोई नहीं था, तो रेली गोल्ड का काम यही है कि वो रूट जोन को मजबूत करे, ताकि हम जो भी फर्टिलाइजर दें वो इंटेक्ट करके हमारे इन गुलाब के टहनियों तक पहुँचाए। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई मैं कोई चीज़ लोड करूं, पौधों के बारे में कोई चीज़ डालूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। आप मेरे चैनल पर आए, मेरे चैनल को आपने देखा, इंजॉय किया, लाइक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।